अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद वकास सईद फ्रॉम आइडियल स्टेट एंड मार्केटिंग। आज मैं आपसे जिस सोसाइटी की बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है इकबाल गार्डन हाउसिंग सोसाइटी। आज मैं आपको इकबाल गार्डन की लेटेस्ट डेवलपमेंट के हवाले से कुछ बातें आपके साथ शेयर करूँगा। आए इकबाल गार्डन सोसाइटी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इकबाल गार्डन की लोकेशन की बात की जाए तो इसको मल्टीपल वे से अप्रोच कर सकते हैं, जैसा कि जीटी रोड से काला शाह काकू इंटरचेंज से एग्जिट करके हार्डली 2 मिनट की ड्राइव पर अप्रोच कर सकते हैं, और साथ ही M2 मोटरवे काला शाह काकू इंटरचेंज से एग्जिट करके हार्डली 2 मिनट की ड्राइव पर अप्रोच कर सकते हैं। इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 15 से 20 मिनट की मुसाफत पर आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। आज मैं आपको इकबाल गार्डन के AB ब्लॉक के पोजेशन, बी ब्लॉक में पार्क, बोर फॉर आवर हेड वाटर टैंक और C और D ब्लॉक की डिवेलपमेंट और मेन पॉइंट इकबाल गार्डन के ओवरसीज ब्लॉक के हवाले से इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। जिस एरिया पर मौजूद हैं, ये इकबाल गार्डन का 150 फीट का मेन एंट्रेंस है। ये आपको टफ टाइल नज़र आ रही होगी जो कमर्शियल की पार्किंग है। मेन पे 4 मरला कमर्शियल प्लॉट्स हैं। अक्सर सोसाइटीज में कमर्शियल के साथ पार्किंग नहीं होती, जिसकी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक होती है। इकबाल गार्डन के कमर्शियल के साथ 25 फीट की पार्किंग मौजूद है। आए अब इकबाल गार्डन के ए ब्लॉक की तरफ चलते हैं। ये इकबाल गार्डन का ए ब्लॉक है, जहां पर आपको ऑन ग्राउंड प्लॉट्स की कटिंग नज़र आ रही होगी। यहां पर आपको इसके इंटरनल रोड्स, सीवरेज का तमाम काम कंप्लीट हो गया हुआ है। सिर्फ आखिरी स्ट्रीट रह गई है जहां पे सीवरेज का काम कंटिन्यू है। अब हम इकबाल गार्डन के बी ब्लॉक पर मौजूद हैं। बी ब्लॉक में पोजेशन अनाउंस कर दिया हुआ है। बी ब्लॉक में कुछ घर बनना स्टार्ट हो गए हुए हैं। ये इकबाल गार्डन का बी ब्लॉक का पार्क है, जहाँ पे ग्रेडिंग वर्क का काम स्टार्ट है, और साथ ही बी ब्लॉक में बोर फॉर ओवरहेड वाटर टैंक का काम भी जारी है। इकबाल गार्डन का फर्स्ट अराउंड पाउट है, जहाँ पर बच्चों के लिए बहुत ही खूबसूरत मोन्यूमेंट बनाकर दिया जाएगा। अब हम इकबाल गार्डन के C और D ब्लॉक की तरफ चलते हैं। हम इकबाल गार्डन के C और D ब्लॉक पर मौजूद हैं। ये इसकी मेन बुलीवार्ड की एक्सटेंशन है। ये बहुत डाउन थी, जो मिट्टी वगैरह डालकर इसको लेवल कर दिया है। C और D ब्लॉक में डेवलपमेंट का काम बहुत तेज़ी से कंटिन्यू है। बहुत से लोग कह रहे थे इकबाल गार्डन डेवलपमेंट नहीं कर रहा, तो ये फिर कौन लोग हैं जो इकबाल गार्डन की डेवलपमेंट कर रहे हैं? ये इकबाल गार्डन वाले हैं जो इकबाल गार्डन की डेवलपमेंट कर रहे हैं। अब मैं आपको इकबाल गार्डन के ओवरसीज ब्लॉक के हवाले से गाइड करता हूँ। ओवरसीज की जो लोकेशन है, GC यूनिवर्सिटी की बैक साइड लगती है। ओवरसीज ब्लॉक में बच्चों के लिए कम्युनिटी सेंटर, शॉपिंग मॉल, मिनी जू, आर्टिफिशियल लेक बनाकर दी जाएगी। ओवरसीज ब्लॉक में 3, 5, 10 और 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स की कटिंग है। 3 मरला की मंथली इंस्टॉलमेंट 8,000, 5 मरला की मंथली इंस्टॉलमेंट 11,000, 10 मरला की मंथली इंस्टॉलमेंट 25,000 और 1 कनाल की मंथली इंस्टॉलमेंट 40,000 है। इकबाल गार्डन की फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आइडियल स्टेट एंड मार्केटिंग के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, ताकि डे बाय डे आपको वीडियो मिलती रहा करे। इकबाल गार्डन की फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए 03035308455 पर रब्ता कीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।